Hello students, in the last video we have completed AM receiver. Now in this video we will start with the FM receiver. So FM receiver ke under hum log study karenge super heterodyne receiver jo humne AM receiver mein bhi study kiya tha. Theek hai, to basically yahan par jo aapka theory portion hai wo bilkul same rahega jo aapne AM receiver mein study kiya tha, same aap FM receiver mein bhi study karenge. But slight modification के साथ FM receiver में आपके total दो modification होते हैं. ठीक है, जो first modification होता है आपका FM receiver में वो होता है आपका de-emphasis circuit और second modification जो होता है वो होता है amplitude limiter. तो ये दो modification आपके होते हैं in case of FM receiver. तो मैं आपके लिए पहले block diagram यहाँ पर draw कर देता हूँ FM receiver का, उसके बाद जो जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उनको हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे. तो यहां पर सबसे पहला आपका एंटीना होगा. ठीक है, रिसीविंग एंटीना. इसके बाद रिसीविंग एंटीना के बाद एम्पलीफायर होगा आपका, और एम्पलीफायर के बाद आपका होगा ट्यून्ड एम्पलीफायर. एग्जैक्टली सेम डायग्राम है आपका जो आपने सुपर हेटरोडाइन रिसीवर के लिए स्टडी किया था इन केस ऑफ एएम रिसीवर. इसके बाद आपका होगा मिक्सर, सेम आपका यहां तक आपके डायग्राम में कोई चेंज नहीं है. मिक्सर में आपका एफएल फ्रीक्वेंसी अप्लाई होगी और एक जो आपकी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी होगी एफएस वो अप्लाई होगी. ठीक है, और एज यूजुअल हम लोग एफएल माइनस एफएस को क्या बोलेंगे, एफआईएफ. ठीक है ना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. उसके बाद आपका होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो हम लोगों ने स्टडी कर रखा है ऑलरेडी, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी एफएम के केस में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 10.7 मेगाहर्ट्ज़ होती है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है. इसके बाद अब जो चेंज वाला ब्लॉक डायग्राम है वो आपका आएगा, ये है आपका एम्पलीट्यूड लिमिटर. ये आपका एक चेंज हो गया जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा अभी. इसके बाद आपका आएगा डी मॉड्यूलेटर, ये भी सेम डायग्राम है, सेम ब्लॉक है जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. एंड इसके बाद जो आपका आएगा अगेन एक और चेंज, दैट इज डी एम्फेसिस सर्किट. ठीक है, तो ये आपका एक और चेंज हो जाएगा. एंड इसके बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा पावर एम्पलीफायर, ये भी आपका सेम ब्लॉक है. ठीक है, एंड फाइनल आपका आउटपुट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा रिसीवर इन केस ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. तो अगर आप ध्यान से अब समझें इस रिसीवर को, तो देखिए जो चेंजेस हैं उसको डिस्कशन करते हैं हम लोग. तो एक चेंज तो आपका ये है कि जो मिक्सर जो है हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जो डाउन कन्वर्ट करेगा वो 10.7 मेगाहर्ट्ज़ में करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज़. उसके बाद जो एक और चेंज है आपका एम्पलीट्यूड लिमिटर, उसकी क्या नीड है, क्यों चाहिए हमें एम्पलीट्यूड लिमिटर. तो एम्पलीट्यूड लिमिटर हमें इसलिए चाहिए ताकि हम एम्पलीट्यूड के फ्लक्चुएशन को अवॉइड कर सकें. होता क्या है ना कि जो एफएम रिसीवर है उसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना होता है. बेसिकली एफएम सिग्नल है क्या, एफएम सिग्नल में फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट होता है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला जो रिसीवर था आपका एएम रिसीवर उसमें एम्पलीट्यूड ही वेरी होना था, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी होता है. तो वहां पर हमें एम्पलीट्यूड को फिक्स करने की या लिमिट करने की कोई नीड नहीं थी. लेकिन एफएम रिसीवर में, या आप बोलें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में, आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगी बट एम्पलीट्यूड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. दैट्स वाई एम्पलीट्यूड के फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए, एम्पलीट्यूड को कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए हम लोग यहां पर एम्पलीट्यूड लिमिटर का यूज करते हैं. क्लियर है अच्छे से. देन जो एक और चेंज है आपका डी एम्फेसिस सर्किट, ये आपका काफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है जिसे अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है हम देख लेते हैं. हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर स्टडी किया था तब हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो आपका एफएम होता है उसकी फेडिलिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है. हमने फेडिलिटी क्या पढ़ा था, फेडिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि फेडिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू रिप्रोड्यूस ऑल द ऑडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर. और हमने ये भी स्टडी किया था कि फेडिलिटी ऑफ एफएम इज वेरी वेरी पुअर. तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए
हम एक टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस. ठीक है, ये क्या होता है प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. जो आपका प्री एम्फेसिस है वो आपका ट्रांसमीटर के साइड यूज होता है और डी एम्फेसिस जो है वो रिसीवर के साइड यूज होता है. ये होता क्या है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए हमारा जो ऑडियो सिग्नल है उसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कुछ इस तरीके से है. ठीक है, ये मान लीजिए जो पीक है आपका वो जीरो पर है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस. और ये आपका क्या शो कर रहा है बेसिकली, ये आपका शो कर रहा है SF, स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखें ये जो आपकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है पॉजिटिव साइड अगर हम देखें ये लगातार डिक्रीज हो रही है. ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ मान लीजिए F1, ठीक है, जिसके बाद ये काफी से ज्यादा डिक्रीज हो गई. ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. एक क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए कि उससे ज्यादा डिक्रीज हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं नॉइस की भी स्पेक्ट्रल डेंसिटी बना लेते हैं. ठीक है, तो सपोज करिए ये आपकी नॉइस की स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम बना रहे हैं. ठीक है, तो जो नॉइस की स्पेक्ट्रल डेंसिटी है आपकी वो भी इस तरीके से बनेगी, जीरो पर आपकी क्या है मिनिमम है, उसके बाद वो लगातार इंक्रीज हो रही है. तो हम ऐसा क्रिटिकल पॉइंट लेके चल रहे हैं यहां पर कि F1 एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां तक तो आपका जो सिग्नल है उसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी काफी हाई थी और नॉइस की लो थी. लेकिन F1 क्रिटिकल पॉइंट के बाद मान लीजिए कि S की वैल्यू, सिग्नल की वैल्यू काफी लो हो गई बट नॉइस की वैल्यू काफी हाई हो गई, तो बेसिकली जो S/N है वो आपका लो हो गया और यहां पर S/N आपका क्या था हाई था. क्लियर है, तो जब तक S/N मीन्स जब तक सिग्नल डिवाइड बाय नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी हाई है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइनल चाहिए क्या, सिग्नल ही चाहिए ना. डीमॉड्यूलेशन का जो आउटपुट होगा या रिसीवर का जो आउटपुट होगा वो आपका होगा सिग्नल, तो हमें कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम हमें कब होगी, जब आपका जो नॉइज है वो सिग्नल से ज्यादा हो जाए. तो जब आपकी नॉइज सिग्नल से ज्यादा हो जाएगी तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो F1 के बाद हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो हम क्या करते हैं बेसिकली ट्रांसमीटर के साइड में, ठीक है, हम आर्टिफिशियल बूस्टिंग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल की और ऑडियो सिग्नल की. इसे आप ऑडियो सिग्नल कह लीजिए या मैसेज सिग्नल कह लीजिए, मैसेज सिग्नल की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है या मैसेज सिग्नल की जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है आपकी वो F1 के बाद क्या हो रही है, काफी डिक्रीज हो गई और नॉइस की काफी इंक्रीज हो गई, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं जो मैसेज सिग्नल की जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाले जो पोर्शन है उसे हम इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम बूस्ट कर देते हैं. ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है या जो हाई फ्रीक्वेंसी है वहां पर मैसेज को बूस्टिंग मिल जाती है, जिसके कारण से सिग्नल डिवाइड बाय नॉइस फिर से हाई हो जाता है. हम मैसेज की इतनी ज्यादा बूस्टिंग कर देते हैं कि सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज आपका हाई हो जाए. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री एम्फेसिस. तो प्री एम्फेसिस क्या होता है, मान लीजिए ये आपका मैसेज का ऑडियो सिग्नल का आपका स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इसे आफ्टर एफ वन आप क्या कर रहे हैं, इसे बूस्ट कर रहे हैं, इसे आप इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है ना, पॉजिटिव साइड भी होगा और सेम काम आपका नेगेटिव साइड भी होगा. ठीक है, तो ये काम आप कर रहे हैं. तो ये काम किसके थ्रू आपको करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा प्री एम्फेसिस सर्किट के थ्रू. तो जैसे ही आप प्री एम्फेसिस सर्किट लगाएंगे तो ये आपका जो टास्क है जो आप चाहते हैं वो परफॉर्म हो जाएगा. दैट मीन्स आपका कुछ इस तरीके का शेप आ जाएगा. आइडली होता आपका इस तरीके का शेप, ये लगातार क्या होता, डिक्रीज होता, बट ये जो आपका F1 के ऊपर वाला कंपोनेंट है उसे हमने इंक्रीज कर दिया, उसे हमने आर्टिफिशियल बूस्टिंग प्रोवाइड कर दी. ठीक है, तो यही होता है हमारा प्री एम्फेसिस सर्किट. तो प्री एम्फेसिस सर्किट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल. ठीक है, टू इंक्रीज द करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू नॉइस रेशियो. ठीक है, क्लियर है अच्छे से. और प्री एम्फेसिस जो है ऑलवेज माइंड में रखिएगा, आप मैसेज सिग्नल पे अप्लाई करते हैं, दैट इज बिफोर मॉड्यूलेशन. ठीक है,
तो बिफोर मॉड्यूलेशन आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ मैसेज सिग्नल टू इंक्रीज द एस बाई एन रेशियो इज कॉल्ड प्री एम्फेसिस। क्लियर है अच्छे से? तो इसका जो आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा प्री एम्फेसिस का, चूंकि हम लोग आफ्टर एफ वन परफॉर्म करते हैं, एफ वन तक तो हमें कॉन्स्टेंट ही रखना है, मतलब कोई चेंज नहीं करना, तो एफ वन तक आपका कॉन्स्टेंट ही रहता है इसका ट्रांसफर फंक्शन, और एफ वन के बाद ये बूस्ट हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एफ वन के बाद ये इंक्रीज वाला जो फिगर है ये आपको शो होगा। तो बेसिकली यही होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्री एम्फेसिस सर्किट। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर हम बात करें डी एम्फेसिस सर्किट की, तो जो आपका डी एम्फेसिस होता है, आपने देखिए आपका जो मैसेज सिग्नल था वो तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था, एक्चुअल में तो यही था, आपने इसे या आपने हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को इंक्रीज किया, ठीक है ना, बट वो एक्चुअल में था नहीं, तो आपको रिसीवर के साइड में इसका रिवर्स ऑपरेशन करना पड़ेगा जो एक्चुअल में था उसे वापस पाने के लिए। क्लियर है अच्छे से? तो इसको हम करते हैं डी एम्फेसिस के थ्रू। तो अगला अब हम सर्किट स्टडी करेंगे डी एम्फेसिस सर्किट। तो है क्या ये? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस टू गेट बैक द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अगर हम अपने सिग्नल को डी एम्फेसिस में अप्लाई करें तो एक्चुअल में जो आपका इनपुट होगा वो आपका आफ्टर जो प्री एम्फेसिस आपने अचीव किया था उसी तरीके का होगा। अब आपका टारगेट क्या है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं उनको वापस से रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना, दैट मींस वापस से उनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना। ठीक है, तो आपका जो सिग्नल है वो वापस से आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा टारगेट होता है डी एम्फेसिस में। तो डी एम्फेसिस का अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का ड्रॉ कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ इस तरीके से होता है आपका F1 तक। यहां पर भी आप कुछ नहीं करते क्योंकि F1 के बाद ही तो आपने बूस्ट किया था, तो F1 के बाद ही आपको वापस डिक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डी एम्फेसिस की, और ये प्रोसेस होता है हमारा डी एम्फेसिस। ठीक है, रिवर्स ऑफ प्री एम्फेसिस। नाउ तो ये आपका फिनिश होता है यहां पर FM रिसीवर। अब एट द लास्ट अगर हम यहां पर ये समझ लें, हम थोड़ा सा FM और AM में अगर कंपेरिजन देख लें तो हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा बेटर है नॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो AM बेटर है कि FM बेटर है, तो हम बोलेंगे हमेशा FM बेटर है। क्यों? क्योंकि जो FM है उसमें जो आपका मैसेज सिग्नल है वो आपका कैरी करता है इन फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल फ्रिक्वेंसी वेरिएशन, लेकिन जो AM है उसमें जो आपका मैसेज सिग्नल है वो कैरी करता है इन फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, और एम्पलीट्यूड में नॉइज का इफेक्ट कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्रिक्वेंसी। इसीलिए जो FM है वो नॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो FM आपका मच प्रिफरेबल है एज कम्पेयर टू AM। क्लियर है अच्छे से? इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पावर। पावर आपका किस में ज्यादा लगता है? अगर हम बात करें AM की, तो जो AM है उसमें आपका पावर लगता है टोटल पावर PC प्लस PC MA स्क्वायर बाय 2। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम FM की बात करते हैं तो FM के केस में जो टोटल पावर होता है वो होता है सिर्फ PC, ठीक है ना, AC स्क्वायर बाय 2 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका AM है उसमें आपका पावर जो होता है वो ज़्यादा लगता है, दैट मीन्स FM रिक्वायर्स लेस पावर। ठीक है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं कि AM और FM कौन बेटर है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बेटर है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ को अगर आप देखें तो AM में जो बैंडविड्थ होती है वो 2FM होती है, और जो FM की अगर बात करें तो होती है 2 into beta + 1 into FM। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्लियरली दिख रहा होगा वाइड बैंड FM के लिए बीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो बैंडविड्थ इज मच ग्रेटर इन केस ऑफ FM। तो आप क्या बोलेंगे, FM रिक्वायर्स हाई बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो AM बेटर है, क्लियर है, और पावर के हिसाब से अगर हम देखें तो FM बेटर है। ठीक है, नाउ अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं जो कि लास्ट डिफरेंस से ही रिलेटेड है, वो है आपका बैंडविड्थ जो होती है इन केस ऑफ FM वो आपकी
डिपेंड करती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर, डिपेंड ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स. बट अगर आप एएम की बात करें तो इंडिपेंडेंट होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स से. क्लियर है अच्छे से? नाउ, क्योंकि आपका जो एएम का फॉर्मूला था वो क्या था, 2fm बैंडविड्थ का, और एफएम का क्या था, 2 into beta plus 1 fm. ठीक है ना? नाउ अब अगर नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एएम का जो रिसीवर होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है ना? क्योंकि एफएम के रिसीवर में आपको किस किस चीज की नीड होती है, एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड लिमिटर की नीड होती है, और आपको नीड होती है डी एम्फेसिस सर्किट की. ठीक है ना? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. तो जो आपका एएम का रिसीवर होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू एफएम रिसीवर. ठीक है? नाउ अगर मैं अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो जो आपका एएम होता है उसमें जो आपका रेंज होती है वो होती है 550 kHz to 1650 kHz, जबकि एफएम में जो आपकी रेंज होती है वो होती है 88 MHz to 108 MHz. ठीक है? नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर बैंडविड्थ की स्टैंडर्ड वैल्यू की, तो जो आपका एएम होता है उसमें होती है 10 kHz. ठीक है? और जो आपका एफएम होता है उसमें होती है आपकी 200 kHz. ठीक है? ये आपकी स्टैंडर्ड बैंडविड्थ की वैल्यूज होती हैं इन केस ऑफ एएम एंड एफएम. नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की यहां पर बात करूं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एएम के केस में होती है 455 kHz, जबकि एफएम के केस में होती है आपकी 10.7 MHz. क्लियर? तो ये हमारी होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. नाउ अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं यहां पर, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं, तो एएम में जो आपका प्रोपगेशन यूज होता है वो होता है आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन. ठीक है? जबकि जो आपका एफएम में यूज होता है वो होता है लाइन ऑफ साइट. ठीक है? तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. एफएम में हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वहां पर आपका यूज होता है लाइन ऑफ साइट, और एएम में यूज होता है आपका आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन. नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो एएम है उसमें आपका एरिया ऑफ कवरेज जो है वो ज्यादा होता है, और अगर मैं आपकी बात करूं एफएम की तो यहां पर आपका लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के कारण लेस होता है एरिया ऑफ कवरेज. और अगर लास्ट डिफरेंस की मैं बात करूं, एएम में फ्रीक्वेंसी रीयूज पॉसिबल नहीं है. ठीक है? फ्रीक्वेंसी रीयूज इज नॉट पॉसिबल इन एएम. ठीक है? जबकि एफएम में फ्रीक्वेंसी रीयूज आपका पॉसिबल है. क्लियर? तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एएम और एफएम के. तो बेसिकली यहां पर अब मैं अपना जो टॉपिक है रिसीवर उसे फिनिश कर रहा हूं. तो इस रिसीवर टॉपिक में हम लोगों ने बेसिकली एएम रिसीवर स्टडी किए, सुपर हेटरोडाइन एनटीआरएफ. वहां हम लोगों ने स्टडी किया कि क्यों सुपर हेटरोडाइन रिसीवर बेटर है और क्यों हम टीआरएफ रिसीवर यूज नहीं करते हैं. देन हमने रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की. देन हमने एफएम रिसीवर स्टडी किया, जो हमने आज की वीडियो में स्टडी किया है. वहां भी हमने सुपर हेटरोडाइन रिसीवर ही स्टडी किया. वहां हमने एक्स्ट्रा दो ब्लॉक्स देखे, प्री एम्फेसिस के रेस्पेक्ट में डी एम्फेसिस एंड एम्पलीट्यूड लिमिटर. ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये एंटायर टॉपिक फिनिश होता है, और लास्ट में जो हमने डिफरेंसेस देखे हैं वो आपके लिए एडिशनल हैं, थ्योरी एग्जाम में आपके लिए कभी कभी यूज हो सकते हैं. ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अब डिजिटल कम्युनिकेशन. ये आपका एनालॉग कम्युनिकेशन का एंटायर टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है. ठीक है? थैंक यू.